को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका को इनकार कर दिया, ये कहते हुए, दखल देने से इनकार करते हुए कि पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह भी दी है, और वो याचिका जो कि ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के द्वारा लगाई गई थी, उसे खारिज कर दिया है। दो दिग्गज वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जबकि हेमंत सोरेन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। तो एक ही झटके में एक बड़ा झटका लग गया इस याचिका के खारिज होने से पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन को। दरअसल हेमंत सोरेन ईडी के कम से कम 7 से 8 समन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके, दरकिनार कर चुके, उसके बाद ईडी ने इनकी गिरफ्तारी की है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। और अब खबरें 2020 अंदाज में। नारायणपुर में नक्सलियों ने की आगजनी।